हिंदी लेक्चर फेल सेफ कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व अधिकतर प्लांट्स में न्यूमेटिक एयर से संचालित होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेटिक एयर की सप्लाई फेल हो जाती है। अब इस केस में कंट्रोल वाल्व को खुलना चाहिए कि बंद होना चाहिए, इस पे प्लांट की सेफ्टी आधारित होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कंट्रोल वाल्व किसी कूलिंग वाटर सप्लाई लाइन में लगा हुआ है। अब प्लांट में कूलिंग वाटर सप्लाई बहुत ज़रूरी है। अब न्यूमेटिक एयर मान लीजिए फेल हुई, तो प्लांट की सेफ्टी के हिसाब से कंट्रोल वाल्व को खुल जाना चाहिए ताकि कूलिंग वाटर की सप्लाई बाधित ना हो और प्लांट सेफ रहे। फेल सेफ न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक ऑपरेटेड वाल्व। इस चित्र में हमने ये बताया है कि वाल्व के ऑपरेशन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज किया जा सकता है। लेफ्ट डायग्राम में आप देखिए कि स्प्रिंग जो है पिस्टन के नीचे है। राइट हैंड डायग्राम में स्प्रिंग जो है वो पिस्टन के ऊपर है। लेफ्ट डायग्राम में एयर प्रेशर ऊपर से दिया जा रहा है और एयर प्रेशर की वजह से पिस्टन नीचे की तरफ जाता है और कंट्रोल वाल्व बंद होता है। राइट हैंड डायग्राम में एयर प्रेशर नीचे से दिया जा रहा है जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है और कंट्रोल वाल्व खुलता है। एयर प्रेशर की सप्लाई या इंस्ट्रूमेंट एयर फेल होने पे कंट्रोल वाल्व खुलेगा कि बंद होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग की पोजीशन और एयर प्रेशर किस पोर्ट पे दिया जा रहा है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि एयर सप्लाई इंस्ट्रूमेंट एयर फेल होने पे कंट्रोल वाल्व खुलेगा कि बंद होगा। ये वही डायग्राम है लेकिन थोड़ा सा बड़े रूप में, ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें कि दोनों लेफ्ट और राइट कंट्रोल वाल्व में कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज किया जा रहा है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जब एयर प्रेशर जो ऊपर के पोर्ट से दिया जा रहा है फेल होगा, किसी वजह से इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई फेल हो जाएगी, तो ये वाल्व खुल जाएगा। इस चित्र में
एयर प्रेशर जो है ऊपर के पोर्ट से दिया जा रहा है और प्रेशर की वजह से कंट्रोल वाल्व बंद होने की तरफ जाएगा और जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो स्प्रिंग एक्शन को अपोज कर रहा है। स्प्रिंग जो है पिस्टन पर ऊपर की तरफ दबाव डाल रहा है और एयर प्रेशर नीचे की तरफ दबाव डाल रहा है। तो जब एयर प्रेशर ऊपर से देंगे तो कंट्रोल वाल्व स्प्रिंग को दबाता हुआ वाल्व के प्लग को बंद करेगा। जब एयर प्रेशर फेल होगा तो क्या होगा कि पिस्टन के ऊपर से दबाव हट जाएगा और स्प्रिंग पिस्टन को नीचे से दबाव देगा ताकि कंट्रोल वाल्व वापस अपनी ओपन पोजीशन में चला जाए। इस चित्र में एयर प्रेशर नीचे के पोर्ट से दिया जा रहा है और जब एयर प्रेशर फेल होगा हट जाएगा तो स्प्रिंग की वजह से यह कंट्रोल वाल्व क्लोज पोजीशन में चला जाएगा। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग है वो पिस्टन के नीचे से निकाल करके ऊपर लगा दिया गया है और एयर प्रेशर जो ऊपर से दिया जा रहा था नीचे से दिया जा रहा है। इसका मतलब है स्प्रिंग की पोजीशन को भी चेंज कर दिया गया है और जिस पोर्ट पर प्रेशर दिया जा रहा है उसको भी चेंज कर दिया गया है। प्रेशर पोर्ट जो है ऊपर से नीचे चला गया है और स्प्रिंग नीचे से ऊपर चला गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जब एयर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो पिस्टन ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है और स्प्रिंग को दबाता है, स्प्रिंग के एक्शन को कैंसिल करता है और कंट्रोल वाल्व खुल जाता है। अब अगर एयर प्रेशर फेल हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई किसी वजह से बंद हो जाती है तो क्या होगा कि स्प्रिंग जो है पिस्टन को नीचे की तरफ फोर्स करेगा और कंट्रोल वाल्व बंद हो जाएगा। इसी प्रकार के फेल सेफ ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स भी उपलब्ध हैं। टू वे और थ्री वे फेल सेफ वाल्व भी उपलब्ध हैं जो कि वाल्व को ऑपरेट करने वाली सप्लाई के फेल होने पे एक खास बताई हुई फेल सेफ पोजीशन पे खुल जाएंगे या बंद हो जाएंगे। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। यह लेक्चर सीरीज मेरी स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती अंबिका चड्ढा की याद में बनाई गई है। इनका शादी से पहले
पम्मी मैनी नाम था।